नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। उरई जालौन माधोगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम चमरेही अपल निवासी विधवा महिला ने गांव के दर्जनों लोगों के साथ आज बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपते हुए उसके पुत्र की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाए जाने की मांग उठाई है। ग्राम चमरेही अपल निवासी कमलेश की पत्नी बाबूराम कुशवाहा गाँव के ही वीरेंद्र सिंह, श्याम मोहन, हेमंत कुमार, कुलदीप सिंह, नरेश, विनोद आदि के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन देते हुए बताया कि 21 दिसंबर की शाम लगभग 7 बजे उसके पुत्र दीपक 28 वर्ष को महावीर गब्बर, पुत्र विंदोले व अंशु कुशवाहा, पुत्र लल्लू राम बंटू कुशवाहा, पुत्र विनय प्रताप व हेमंत सिंह, पुत्र अज्ञात निवासी ग्राम टिकौली थाना माधोगढ़ घर पर आए और मेरे पुत्र दीपक को अपने साथ लिवाकर ले गए। महिला का आरोप है जब 2 घंटे तक उसका पुत्र दीपक नहीं आया तो फोन लगाकर पूछा तो उसने बताया कि विक्रम ढाबा टिकौली पर हूँ तथा इन लोगों ने जबरन खाना खिलाया और पैसा देने का दबाव बना रहे हैं तथा पैसा न देने पर रुपए और अंगूठी छीन ली है। महिला का कहना है कि महावीर का रात 12 बजे फ़ोन आया कि तुम्हारे पुत्र दीपक की तबीयत खराब हो गई है जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज उरई ले जा रहे हैं। महिला का आरोप है कि परिजन जब मेडिकल कॉलेज पहुँचे तो देखा कि दीपक स्ट्रेचर पर मृत पड़ा था जिसका मेडिकल परीक्षण भी पुलिस ने करवाया जिसके हाथ पैर व सिर में लोहे की रॉड से चोटें पाई गई हैं। महिला का आरोप है कि उक्त लोगों ने मेरे पुत्र की हत्या की है इसलिए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग ज्ञापन के माध्यम से उठाई गई है। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के लिए गोविंद दाऊ की रिपोर्ट। आप कहां से आई हैं? आपका नाम क्या है? यहां किस लिए आई हैं? क्या है मामला? कहाँ के रहने वाले हैं? जमरेकी के रहने वाले हैं, दो टेकवाली के हैं। फिर क्या हुआ? फिर ना मालूम साहब कहाँ इन्हें घटना घटाई, हत्या करके मर्डर। कहाँ मिली थी इसकी? इसकी लाश तो हमें वो बोल के नहीं गया। तो मुकदमा लिखा नहीं? लिखा गया अभी नहीं लिखोगा। कब की घटना है? 21 तारीख। तो मुकदमा लिखाने गई नहीं? आप कहे हैं कि ले सब बैदना के फिर रहे हमारी कोई संख्या ही नहीं, न्याय नहीं देनी चाहते। एसपी को दरखास्त दी नहीं? नहीं दी, दी आती लेकिन उसने सुनी नहीं। आज आप कहाँ इसलिए कलेक्ट्रेट आई हैं? किसको दरखास्त देने आई हैं? डीएम साहब। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।